एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं वो नहीं है ना, इसका एरिया बराबर है, उसमें एरिया डिफर था। देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर, ये आपकी कौन सी, अभी आपको 6 शीट्स एक्स्ट्रा दी हैं, उनमें से शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ्स फॉर 3 ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 इज गिवन। देखो इन क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या कन्फ्यूजन होती है, कि अगर तो एरिया, ये ना एरिया मेंशन नहीं करता, जबकि इसको एरिया भी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ्स ना अप्रोक्सीमेट ग्राफ्स होते हैं। जितना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करेगा कोई ग्राफ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है, जितना ही बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा उसका टेम्परेचर होगा, हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि एरिया जो होता है वो एमिसिविटी, टोटल एमिसिव पावर निकलती है, और टोटल एमिसिव पावर क्या होता है, T^4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो उस हिसाब से तो जिसका एरिया कवर्ड बड़ा होगा उसका टेम्परेचर बड़ा होगा, लेकिन इनके अंदर जो एरिया है वो सेम है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो जो मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था उसमें तो बहुत ही बड़ा एरिया था एक उसका ग्राफ का। तो इसके अंदर अगर एरिया बराबर है तो आपने सिंपली सिर्फ पीक्स देखनी है कि कौन सी पीक किस तरफ है, लेफ्ट है और राइट है। तो आप इस केस में क्या आंसर मार्क करोगे, सबसे ज्यादा लेफ्ट की तरफ कौन है, T1 है, तो T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2, क्योंकि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है कि जो लेफ्ट की तरफ कर्व होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट की तरफ होगा उसकी पीक पहले अचीव हो गई, तो T1 इज ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर इसमें मार्क करना है। लेकिन अगर एरिया में बहुत ज्यादा अंतर है फिर आपको एरिया से अपना एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, यहां तक मैंने अज्यूम किया अप्रोक्सीमेटली, अनलेस कोई बहुत ज्यादा फर्क ना हो। हाँ, एग्जाम में अभी क्वेश्चन बुक्स में ऐसे ही गिवन है बिना एरिया के, तो ज्यादातर बुक्स क्या करती हैं, एरिया ऑलमोस्ट बराबर देती हैं और वो लेफ्ट की तरफ कर्व के साथ ही आंसर मार्क करती हैं, जो लेफ्ट की तरफ होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। एक्सेप्ट मेरी असाइनमेंट का क्वेश्चन, वो पता नहीं किस बुक से लिया था, उसमें एरिया बहुत ज्यादा गिवन था, ज्यादा होता है, तो वो ना बनाने वाले के ऊपर है, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक तो वो एरिया ज्यादा रखे, एरिया ज्यादा रख के ना उसको पीक भी उसको लेफ्ट की तरफ रखनी चाहिए होती है, एरिया ज्यादा अगर रखता है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए ना, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से उसकी लैम्डा एम की वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए, तभी ये चीज मैच करेगी ना। पर अगर गिवन नहीं और एरिया बराबर है तो इस केस में आप सिंपली वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाएंगे, जो लेफ्ट की तरफ कर्व होगा तो उसकी एमिसिव पावर सबसे ज्यादा होगी, तो वहां से T2 ही सबसे बड़ा मार्क किया जाएगा। काफी बुक्स मैंने चेक किया हुआ है, तो आप अपनी बुक्स में चेक करेंगे आपका यही आंसर मिलेगा, आपको T1 सबसे बड़ा मिलेगा और एरिया वाइज वो सारे ग्राफ को सेम ही बनाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। देखो इसमें इस तरीके से क्या है कि अ स्फेयर, अ क्यूब एंड अ थिन, जो आपके पास क्या गिवन है इसमें, एक प्लेट गिवन है, सर्कुलर प्लेट गिवन है, ऑल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम मास, मास सेम है, एंड इनिशियली हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ दीज विल कूल फास्टेस्ट। देखो अगर मास सेम है
और वो कह रहा है वॉल्यूम की वैल्यू भी सेम है, मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो आपकी जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, वॉल्यूम सेम है और मास सेम है, लंबी हो जाएगी, थिन है ना, तो फ्लैट हो जाएगी, तो एरिया सबसे ज्यादा हो जाएगा। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली एरिया जिसका ज्यादा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अरे मैंने शायद बोलते हुए बोल दिया, T2 बड़ा होगा, rather T1 बड़ा होगा, सॉरी, जो लेफ्ट की तरफ होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो T1 सबसे बड़ा होगा। हाँ, लैम्डा इनटू T इज अ कांस्टेंट, यस, तो लैम्डा m जिसका छोटा होगा T उसका उतना ही बड़ा होगा, तो मैंने शायद मेरे मुंह से T2 निकल गया, तो प्लीज मैं T1 के साथ करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पीछे देखो, इसमें देखना क्या है, A है पक्का, एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छा ग्राफ तो नहीं बनाया, पर एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर चेंज होता है ना, हमने डिस्कस किया था ना कि अगर कोई बॉडी ठंडी होती है तो वो पहले स्लो ठंडी होती है, उसके बाद काफी ज्यादा, तो एक्सपोनेंशियली सीधे ए आंसर है इसका। तो ठीक, नेक्स्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो, ये वाले जब भी किया, ये सब, ये वाला इसमें तो स्टैंडर्ड ग्राफ है ए, हो जाती है एक्सेस पैरेलल हो जाता है, तो इतना वो तो देख, सी ग्राफ तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में कहीं भी नहीं बनता, लीनियर भी कहां बनता है बी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ टाइम का रिलेशन है, अपनी बुकलेट चेक कर ना, टेम्परेचर और टाइम का एक्सपोनेंशियल ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है हमने। इसका आंसर फोर्थ का, देखो वो कह रहा है एक ग्राफ है, टेम्परेचर का ग्राफ शो कर रहा है एक्स और वाई के लिए, एंड फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द टू बॉडीज। रेट ऑफ जो कूलिंग होगा, रेट ऑफ कूलिंग किसका, जो रेट ऑफ कूलिंग होगा किसका, एक्स का, वो वाई से क्या होगा, ज्यादा होगा, स्लोप है ना, ज्यादा हो रही है, तो रेट ऑफ कूलिंग अगर ज्यादा होगा तो उस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो एमिसिविटी के ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने प्रीवॉट्स थ्योरी की थी, उसमें बताता था कि एमिसिविटी जितनी ज्यादा होगी तो बॉडी उतनी जल्दी क्या करेगा, एमिट करेगा, तो रेट ऑफ कूलिंग एमिसिविटी के प्रोपोर्शनल है, और एक्स का रेट ऑफ कूलिंग वाई के रेट ऑफ कूलिंग से बड़ा होगा, स्लोप क्योंकि दिख रही है उसमें कि टाइम के साथ जल्दी ठंडा हो रहा है एक्स, तो रेट ऑफ कूलिंग एक्स का बड़ा है तो एमिसिविटी एक्स की वाई से बड़ी है। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो बिल्कुल सही लॉजिक है, और क्योंकि तुमने कहा कि एमिसिविटी एब्जॉर्प्टिव पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ए भी एक्स, एक्स और वाई का एब्जॉर्प्टिव पावर का भी सेम रिलेशन होगा। सही है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर्स में, उसमें मेंस और नीट में, एडवांस में वो कॉम्प्लेक्स जो किया था।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन के अंदर गिवन है तीन डिस्क है ए बी सी ऑफ रेडियाई 2, 4 and 6 meter आर कोटेड विद कार्बन ब्लैक ऑन देयर आउटर सरफेस. द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी आर 300, 400 and 500. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ है लैम्डा एम की वैल्यू गिवन है तीनों के लिए और लैम्डा एम इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, ये तो पाथ पक्की है इसमें लगने वाला है बिकॉज मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू आपको इसमें गिवन है. पावर रेडिएटेड बाय देम आर क्यू ए एंड क्यू बी एंड क्यू सी. ये पावर है, पावर समझते हो, एनर्जी बाय टाइम. ठीक है, तो आपको ये बताना है एनर्जी बाय टाइम में कि किसकी एनर्जी बाय टाइम मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम है, क्या है. देखो एनर्जी बाय टाइम कौन निकाल के देता है, स्टीफन्स लॉ. और लैम्डा और टेम्परेचर का रिलेशन कौन बताता है, वेन्स. तो इसमें अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंगली एनर्जी पर सेकेंड क्या होती है, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज टू पावर 4. और यहां पर सिग्मा लगेगा तो ए इंटू टी की पावर 4, ब्लैक बॉडी है तो यहां पर इमिसिविटी लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर प्रोपोर्शनल ले लिया की बात है. तो क्यू का मतलब हीट एनर्जी पर सेकेंड का ये फॉर्मूला, लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा. इस टेम्परेचर को ऊपर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा रेज टू पावर 4. ठीक, और यहां से एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के स्क्वायर के, तो एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर में ऊपर क्या आएगा, आर का स्क्वायर. अब आप इसे कंपेयर करेंगे, आपको तीनों के क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको तीनों का लैम्डा एम गिवन है, यहां से कंपेयर करेंगे तो रेशियो आएगी, यहां से पता लगता है कि इनकी रेशियो इसकी इक्वल आएगी और आप इसमें बता सकते हो क्यू ऑफ इसमें मैक्सिमम होगा. एक क्वेश्चन और करो, देखो थ्री वेरी लार्ज प्लेट्स ऑफ सेम एरिया आर कैप पैरेलल टू ईच अदर. तीन प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया. दे आर कंसिडर्ड एज आइडल ब्लैक सर्फेसेस एंड हैव वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत हाई है. फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 2T and 3T. पहली और जो थर्ड है वो 2T और 3T. टेम्परेचर ऑफ द मिडल क्या होगा अंडर स्टेडी स्टेट. वर्ड अगर स्टेडी स्टेट मिल जाए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, जितनी हीट आएगी उतनी हीट चली जाएगी, टेम्परेचर विल रिमेन सेम. तो क्वेश्चन समझ में आ गया. तो इस क्वेश्चन के अंदर मान लो एक प्लेट का टेम्परेचर 2T और इसका 3T, तो बीच वाली प्लेट का T0. तो इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मिडल प्लेट जो होगा, एनर्जी एमिटेड बाय द मिडल प्लेट होगा, तभी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट एनर्जी, क्योंकि रेडिएशन से जानी है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, हवा में जानी है एनर्जी, तो क्या होगी, 3T वाले ने कितनी एनर्जी दी, किसे दी, इसको दी. तो इसने कितनी एनर्जी दी, सिग्मा इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर इज टू पावर 4, इतनी एनर्जी पर सेकेंड गई. इसकी अपनी एनर्जी कितनी थी, सिग्मा इंटू एरिया इंटू T0 रेज टू पावर 4, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो इसने रखना शुरू कर दिया. पॉइंट समझ में आया यहां तक. और इसने अपनी एनर्जी किसको दी, 2T को दी. तो इसकी एनर्जी एमिटेड क्या है, सिग्मा 8 T0 रेज टू पावर 4, और इसकी कितनी थी, 2T रेज टू पावर. तो यानी कि इनका एनर्जी डिफरेंस और इसका एनर्जी डिफरेंस इक्वेट कर दें. यहां से जो एनर्जी आ रही है,
यहां पे एनर्जी जा रही है तो यहां से जो एनर्जी आ रही है वो ये डिफरेंस होगा, और यहां से जो एनर्जी जा रही है वो ये डिफरेंस होगा। इक्वेट करो, सॉल्व करो आंसर। इसका टेम्परेचर 3T है, ये अपनी एनर्जी इसको देगा पर सेकेंड, कितनी देगा, इतनी देगा। इसके बाद इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी है ना, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने इसको कितनी दी, इतनी, और इसका टेम्परेचर इससे बड़ा है तो ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देगा। इक्वेट कर लिया, तभी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, टी नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां से आंसर आएगा।